बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ यूनिट थ्री, यूनिट थ्री के एंड पे जो दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ हमें पहली मंजिल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है तुम्हारा रब कौन है। अगर हमें इसका जवाब नहीं आएगा तो अगला सवाल होगा तुम्हारा नबी कौन है। आपको पता है कि जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हमें अपने नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। और फिर पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, दीन तरीके को कहते हैं। तो क्या आप इन सवालों की तैयारी कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो हमें इन सवालों के जवाब की तैयारी के लिए कुरान से रजू करना पड़ेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना पड़ेगा। एक दो काम करें, एक तो कुरान की तर्जमे से पढ़ना शुरू करें और छोटी छोटी दुआएं हर काम करने से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना, सोने उठने बैठने की दुआएं याद करें। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस होंगी हर क्वेश्चन की, और आपने राइट वन के ऊपर जो है वो टिक का लगाना होगा। तो सबसे अब हम पहला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, मास और मोमेंटम। वैलिड का मतलब होता है काबिले अमल। तो हमने देखा था, पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ओनली वैलिड है इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप जो हैं अपने सारे लेसन अच्छी तरह याद कर रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास और वेलोसिटी। इनर्शिया या जमूद जो है, हम किसी चीज़ को हरकत करने से जो चीज़ रोकती है वो इनर्शिया कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट्स विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। तो इसलिए मास इज द मेन फैक्टर, मास की वजह से एक जो है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। तो हम मास को या कमियत या मादे को टिक मार्क करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हमने मोमेंटम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब एक चीज़ व्हेन द बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, और बॉय की भी वेलोसिटी वो है, लेकिन व्हेन ही जंप्स ही सडनली फॉल ऑन द ग्राउंड, जब वो ज़मीन पे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी ज़मीन तो साकिन है, बट ड्यू टू मोमेंटम ही फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो बस की डायरेक्शन है मोमेंटम की वजह से वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन में फॉल करेगा। अगर आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो रही है तो मोमेंटम वाला लेसन दोबारा से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 20 न्यूटन। जब हमने एटवुड मशीन का एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू जी। उसके हिसाब से m1 और m2 आपस में कट जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 है तो ये 20 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे 20 न्यूटन को टिक मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद एक्सेलरेशन, इंक्रीजेज व्हेन डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, डिक्रीजेज विद एक्सेलरेटेड, डिक्रीजिंग व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव।
आपको पता है कि अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस, दिस इज द सेम वेयर एवर यू आर। तो इसमें नॉन आफ्ताबा, ना तो एक्सेलरेटेड के साथ वो डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन के साथ, ना इंक्रीज होता है, और ना ही हाई वेलोसिटी पे एनी चेंज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मैसेज एम वन एंड एम टू अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ मूव वर्टिकली, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज इज, ये ए बी सी डी चार फार्मूले दिए हुए हैं। तो आपने देखा था कि हमने जो एक्सेलरेशन है वो डिराइव की थी, ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जी। तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वेयर, या न्यूटन सेकेंड पर सेकेंड। तो न्यूटन्स में जो मोमेंटम के यूनिट्स हैं वो अगर आप, ये आपके सामने फार्मूला दिया हुआ है, इसे ड्राइव करें तो न्यूटन सेकेंड्स बनते हैं। तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द कार्ट हॉर्स अर्थ अर्थ एंड कार्ट। आपको पता है कि जैसे वॉकिंग में हम चलते हैं जब, तो जब हॉर्स भी चलता है तो अर्थ पे पुश करता है और अर्थ उसको आगे पुश करती है, फिर उसका जो पुल है वो उसकी कार्ट के ऊपर भी है। तो आप इसमें हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो अर्थ एंड कार्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, वाटर, एयर, फाइन मार्बल पाउडर और ऑयल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शंस जो ऑयल्स हैं, दे आर एज लुब्रिकेंट इन कार्स एंड बाइसिकल्स, दे आर बेस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हम इसमें ऑयल को टिक करेंगे, ऑयल इज द बेस्ट, वाटर भी कुछ कम करता है लेकिन ऑयल इज द बेस्ट। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।